जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, हम सभी को जीवन का असली आनंद या असली खुशी कैसे प्राप्त होती है, मैं भी खुश रहने वाला इंसान कैसे बनूं? क्योंकि इस संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुशियों से काफ़ी दूर ले जाती हैं। इनमें से पिछले समय की बुरी यादें, भविष्य की चिंताएं एवं वर्तमान समय में घटने वाली अनेकों घटनाएं सम्मिलित होती हैं। दोस्तों, खुशी हम सभी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए हर दिन कार्य करना पड़ता है। कुछ लोग काम करते करते हताश हो जाते हैं, फिर भी उन्हें खुशी नहीं मिलती, लेकिन खुशी प्राप्त करना मुमकिन है, क्योंकि यह हमारे भीतर से आती है। अब प्रश्न यह उठता है कि अपनी ज़िंदगी खुशी से कैसे जिए, अपना जीवन खुशी से कैसे बिताएं, सच्ची खुशी किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो आज आप सभी की खुशी के लिए इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से 20 ऐसे तरीके बताएंगे जो खुशी जीवन की सीख देंगे। पहला, आप हमेशा ही यह एहसास करें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। अपना अधिकतर समय बीत चुके बुरे समय के बारे में सोचने में ना लगाएं। आपको अपने जीवन के सकारात्मक पल को याद करते रहना चाहिए। जब आप अपने जीवन में दुखी होते हैं तो ऐसे लोगों को याद करें जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। दूसरा, स्वयं को पहचाने, अपने अंतरात्मा का ध्यान करने और उसे ढूंढने के लिए समय व्यतीत करें। इससे अपने आसपास की चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। संतुलन वो है जो हमारे जीवन को गतिशील रखता है। चाहे हमारे जीवन का मार्ग कितना भी कठिन हो, अपने जीवन का संतुलन बनाए रखें। चौथा, अपनी कमजोरी को हमेशा स्वीकार करें। अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। यदि आपके पास कौशल की कमी है तो आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करना चाहिए जो आपको प्रशिक्षित कर सके। और आपके कौशल से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसका ज्ञान वह दे सकें। पांचवा, सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि जब तक सत्य होता है तब तक हमारे पास स्वतंत्रता का मार्ग होता है। इसीलिए सत्य की मार्ग पर चलकर अपने आप को आज़ाद रखें। किसी से भी ऐसे वादे मत करो जिसे आप पूर्ण नहीं कर सकते। छठवां, ऐसा भोजन करें जो आपके शरीर एवं मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रख सके। सातवां, खुशी के पलों को संग्रहित करना सीखो। अपने समय का सदुपयोग करने के साथ अच्छी एवं जीवन में काम आने वाली बातों को सुने। अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी समय व्यतीत करें। यदि संभव हो तो परिवार के सदस्यों के साथ ही भोजन एवं यात्रा करें। आठवां, अपने आप पर नियंत्रण रखें। यदि आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो कोई भी निर्णय लेने के लिए खुद को अनुशासित करें। आप ऐसे ही काम करें जिसे करने के बाद आपको भविष्य में कोई पछतावा ना हो। नौवां, उन चीज़ों का भी आनंद लें जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। यदि आप भी ऐसा खुशी चाहते हैं जो कभी कम ना हो, तो अपनी खुशी को उन चीज़ों पर डालें जो अनमोल हैं, जैसे परिवार के लोगों से प्रेम, अच्छे दोस्त, सम्मान, अखंडता और अच्छी यादें। आप केवल भौतिक वस्तुओं में ही आनंद को ना ढूंढें, क्योंकि भौतिक वस्तुएं हमेशा नहीं रहती। दसवां, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप बुद्धिमान व्यक्ति के पास ही जाएं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने देश एवं दुनिया में मौजूद कानूनों एवं नियमों को सीखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपने धर्म से जुड़े शास्त्रों को पढ़ें। सत्य और असत्य क्या है, इसका ज्ञान हो जाने के बाद सत्य का पालन करें। ऐसा करने से आपका जीवन खुशहाल होगा। ग्यारहवां, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम हमारे जीवन में खुशी बढ़ाने का कार्य करता है।
एवं तनाव और दर्द से छुटकारा दिलाता है। वह रहमा हमेशा हसमुख दाता बने। दोस्तों, दान देने से आपको शुद्ध खुशी प्राप्त होती है। तेरहवां, थोड़ा सा आराम करें। जब कार्य करते करते आपका दिल और दिमाग भारी लगने लगे तो थोड़ा आराम कर लें। चौदहवां, उन लोगों को माफ़ करें जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया है। ऐसे लोगों को क्षमा करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, बीते हुए पल को छोड़ दें। ऐसे उन सभी बातों को भुला दें जो आपको दुखी करते हैं। जिस प्रकार आप ईश्वर से क्षमा की उम्मीद करते हैं, उसी प्रकार आप भी क्षमा करना सीखें। पंद्रहवां, अतीत में हुई घटनाओं को भुला दें, क्योंकि बीते हुए कष्टदायक पल को याद करने से आपका वर्तमान भी खराब होता है। सोलहवां, खुशी के लिए प्रार्थना करें। यदि आप सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करने में संकोच ना करें। दूसरों के खुशी के साथ साथ अपने खुशी के लिए भी भगवान से प्रार्थना करें। सत्रहवां, ईर्ष्या पर नियंत्रण रखें। ईर्ष्या आपके जीवन से खुशी के फल छीन करता है, इसीलिए ईर्ष्या को अपने आप से दूर रखें। आपके पास जितना है उसी से संतुष्ट रहें। अठारहवां, बुरी संगत से दूर रहें। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव संगत का होता है, इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जिन्हें बुरे कर्मों की लत लगी हो। उन्नीसवां, आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता दें। आध्यात्मिक जीवन अपनाने के बाद आपके जीवन में दया, परोपकार, क्षमा एवं आत्मिक खुशी का संचार होता है, इसलिए अध्यात्म को अपनाएं। बीसवां, धैर्य रखें। दोस्तों, धैर्य आपके जीवन को खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अपने कर्म पर विश्वास रखें। यदि आपके कर्म अच्छे हैं और ईश्वर पर विश्वास है तो कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई पूरी बातों को सुनने के बाद आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि अपने जीवन में खुश किस प्रकार से रह सकते हैं। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।